अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है कि आप सब भी मेरी तरह खैरियत से होंगे। आज की जो एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ काफी एक इंटरेस्टिंग है, और जो आजकल के हालात है उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। और ये वीडियो है टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, लेक्चरर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए, जो एजुकेशन से वाबस्ता है उन सब के लिए वीडियो है। और जो बहरहाल उन सब के लिए तो ये बेसिक वीडियो है, आप और लोग भी देख के इससे फायदा उठा सकते हैं। इसके क्या पता कि आपके अंदर सलाहियत हो, आप लोग नहीं कर पा रहे हो, तो ये वीडियो देख के आप लोग उस चीज को अवेल कर लें, आपके अंदर जो स्किल्स है उनको आप बाहर ले आए। तो ये जो मेरी वीडियो है इसका जो ताल्लुक है ये है पावर पॉइंट के अकॉर्डिंग, के लोग जो पावर पॉइंट के ऊपर स्लाइडें बना रहे हैं उनका इशू ये आ रहा है कि सबसे ज्यादा कि वो वीडियो उसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को वीडियो में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, कि कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए, क्या उसके लिए किस तरीके से उसके हम सेटअप करेंगे, किस तरीके से उसके अंदर हाईलाइट करेंगे। तो इन सब चीजों को मैं आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। आप लोग चलिए फिर स्टार्ट करो। उसके लिए सिर्फ आपको नीड है एक सॉफ्टवेयर, छोटा सा सॉफ्टवेयर है कैमटेसिया। आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत से जैसे टीचर्स या लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने सुना होगा ये नाम कैमटेसिया, और वो यूज भी कर रहे होंगे। अच्छा, तो वो हो सकता है वो यूज कर रहे हो, लेकिन जो मैं आज फीचर्स नए कुछ बताने वाला हूँ वो हो सकता है कि उनकी नॉलेज में नहीं हो, तो वो भी बराए मेहरबानी इस वीडियो को स्किप करने से पहले एक दफा इस वीडियो को देख लें, उसके बाद फिर आप चाहे तो भले स्किप कर दीजिएगा। अच्छा, उसके लिए इसमें मैं आपको सबसे पहले तो एक प्रेजेंटेशन के ऊपर आप रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं वो, उसके अंदर हाइलाइट्स कैसे कर सकते हैं, माइक कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से एनवायरमेंट आप सेट करेंगे, वो सब इस वीडियो के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको। और सबसे पहले तो मेरा ये चैनल 4D Talent, इसको सब्सक्राइब कर लें, और भी मजेदार इंशाल्लाह इसी तरीके से नॉलेज भरी वीडियोस मैं आपके लिए आगे लेकर आऊंगा। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से ही मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी, थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी, तो उससे हिम्मत मिलेगी, तो और मैं आप लोगों के लिए और इस तरीके से नॉलेज भरी वीडियोस लेकर आऊंगा। इलस्ट्रेटर के ऊपर वीडियोस, फोटोशॉप के ऊपर वीडियोस, वर्ड्स के अंदर क्या, एमएस ऑफिस के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं वो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। और बहुत जल्द के इंटरनेट से आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं ये भी मैं इंशाल्लाह ये कोर्स एक सी चैनल के ऊपर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो उनसे मेरी गुजारिश है आप अभी इसको सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि क्या पता जो टीचर वो टीचर जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो इसको नहीं देख पा रहा, तो वो आप लोगों की शेयर करने से इसको देख लें। तो सबसे पहले ये दो सॉफ्टवेयर आपको रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट पावर पॉइंट को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, वहां से आसानी से डाउनलोड कर लें, इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, बिल्कुल फ्री है। और कैमटेसिया मुझे नहीं पता बहुत से लोग यूज कर रहे होंगे कौन सा वर्जन, मैं 8.3.0 यूज कर रहा हूँ, और काफी ज्यादा ये स्विचेबल है, कंपेटेबल है मेरे लैपटॉप्स, मेरे डेस्कटॉप वगैरह के साथ। और आप इसके राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक करने के बाद इसको करेंगे हम एक्सट्रैक्ट हियर। थोड़ा सा ये एटलीस्ट टाइम लेगा, आपकी पीसी के ऊपर डिपेंड है, मेरे पास हो भी गया डन। अब न्यू फोल्डर को ओपन करेंगे, तो ये जो है कैमटेसिया का सेटअप है और ये उसकी सीरियल की है। तो ये जो है कैमटेसिया का सेटअप है और ये उसकी सीरियल की है, हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। थोड़ा सा ये टाइम लेगा इंस्टॉलेशंस के अंदर होने में, तो वहां पर सीरियल की भी हम इसकी कॉपी कर लेते हैं, ये हमने कॉपी की, और ये हमसे आगे रिक्वायर करेगा कि सीरियल की दे, तो हम वहां पर ये सीरियल की देंगे। ठीक है, आगे हमारा फर्दर प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, अब ये स्टार्ट हो गया, अब इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आई एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट नेक्स्ट एंड यहाँ पर हम लाइसेंस की को पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी के बाद यहाँ पर हम जो अपना नाम देना चाहते हैं वाले आप अपना नाम दे दें, लेकिन मैं सबसे पहले नाम देता हूँ बिस्मिल्ला जो है मेरी ग्रैंड मदर का नाम, तो वो मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, तो मैं इसलिए हर चीज के अंदर बिस्मिल्ला नाम रखता हूँ। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दें,
ठीक है, इसको हो सकता है कि आपके पास ये चेक नहीं हो, आप इस चेक को लगा दीजिएगा इनेबल, इसी के थ्रू कैमटेसिया आपको ये शायद स्क्रीन नजर आ रही है, आप ये स्क्रीन नोट कर लें, यही स्क्रीन आपको पावर पॉइंट में नजर आएगी। आप नेक्स्ट कर लें, ठीक है नेक्स्ट, इस पे भले आप चेक लगा दें या नहीं लगाएं तो भाई आपकी मर्जी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, नेक्स्ट करें। अब ये थोड़ा सा एक टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में, शेयर करें कि अगर आप एमएस ऑफिस यूज कर रहे हैं तो उसका वर्जन 2010 या 2007 आप रखें, 2007 या 2010, ज्यादा इजी यूज करने के लिए कैमटेसिया आसानी से उसके साथ कंफर्टेबल है आप लोग, और लेटेस्ट वर्जन कर लेंगे वो सिस्टम भी हैंग करता है और समझ में भी बहुत देर से आता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसके अंदर आपको पूरी गाइडलाइंस के बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से प्रेजेंटेशन अपनी पावर पॉइंट के अंदर बना सकते हैं, कैसे पिक्चर इंसर्ट करेंगे, कैसे शेप, किस तरीके से आपको लेआउट रखना है, किस तरीके से डिजाइन रखना है, किस तरीके से एनिमेशन देनी है। थोड़ा सा हमें टाइम और लगेगा, उसके बाद इंस्टॉल हो जाएगा, फिर हमें इसको फिनिश करना है। ऑलमोस्ट रिटर्न होने वाला है, फिनिश, ये हमसे दोस्तों फिनिश का, हमने इसको फिनिश कर दिया, ओके क्लोज किया हमने, रिफ्रेश कर देते हैं हमें एक दफा। अब हमारा असल स्टेप स्टार्ट हो जाता है पावर पॉइंट के अंदर। अच्छा पावर पॉइंट के अंदर दोस्तों ये हमारा पावर पॉइंट 2010 में नहीं किया हुआ है क्योंकि मुझे ये ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बिल्कुल आसान है, ज़्यादातर वैसे 2007 ही लोग यूज़ करते हैं, स्कूल्स वगैरह यूनिवर्सिटीज़ सब जगह पे, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सूटेबल ये 2010 लगता है। इसका भी सेटअप मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दे दूंगा कि कैसे आप इंस्टॉल करेंगे सब कुछ। अच्छा पावर पॉइंट जब आप इंस्टॉल करेंगे तो कैमटेसिया का बिल्कुल उसका मैप बना हुआ और पूरा हुआ आपको गाइड करा हुआ कि कैसे आप रिकॉर्डिंग करेंगे, तो जब उसको तो मैं न्यू कर देता हूँ, कंट्रोल एन करके मैंने न्यू स्लाइड्स कर ली। अच्छा न्यू स्लाइड्स करने के बाद पावर पॉइंट के अंदर आपके पास ये टैब होना लाजमी है एड इन्स, अगर ये नहीं होगी तो हो सकता है आपने कैमटेसिया में कोई गलती की है और उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें, तो बराए मेहरबानी जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको कैमटेसिया इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं एक रिकॉर्ड का ऑप्शन, इस पर अभी डायरेक्ट क्लिक नहीं करना, हमें इसके अंदर कुछ सेटिंग्स करनी है जिससे बहुत काफ़ी ज़्यादा ये अट्रैक्टिव हो सके हमारी स्लाइड्स। अच्छा इसके अंदर आप आ जाएंगे यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर, ऑप्शंस के आने के अंदर आने के बाद यहाँ पर सबसे पहली एक जो चीज़ है यहाँ पर लिखा हुआ हाईलाइट कर्सर, इसके ऊपर आप चेक लगा दें। चेक लगाने के बाद दूसरी चीज ये जो वॉल्यूम लेवल है इसको आप करेंगे थोड़ा सा डाउन, हल्का सा डाउन इसको कर लेंगे और जस्ट ओके। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास कोई वेबकैम वगैरह हाई लेवल है अच्छी कंपनी का है तो आप यहां से इस पे क्लिक करके अपनी वीडियो भी शो कर सकते हैं। मेरे पास मैं अभी नहीं शो करना चाह रहा हूं तो मैं इसको डिसेबल ही रखूंगा क्योंकि मैं मोबाइल के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर आप लोग डायरेक्ट लैपटॉप से रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं कि आप लोगों की तस्वीर भी आए और स्लाइड भी आपकी बनती जाए रिकॉर्ड हो तो आप इसके ऊपर एक्टिवेट इसको कर दीजिएगा तो ये आपके साथ के साथ वीडियो भी ये रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ओके कर दें इसको। अब जस्ट आपको करना है सिंपली रिकॉर्ड पे क्लिक, रिकॉर्ड पे हमने क्लिक कर दिया है। रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद अभी हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई, उससे पहले मैं आपको दो तीन जरूरी बातें जो बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि जब आप पूरी स्लाइड बना लें कम्प्लीट तो एक दफा उसको रीचेक जरूर कर लें बराए मेहरबानी, बाद में यही होता है कि लोग स्लाइड्स बना लेते हैं अपनी उसकी रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर वो जब वीडियो देख रहे होते हैं उसके अंदर उनको ख्याल आता है ओके ये हमारी मिस्टेक थी, ये हमारी मिस्टेक थी, ये हम कैसे, देखिए आपने एक दफा वीडियो बना ली फिर दोबारा वो करेक्ट नहीं हो सकती, फिर आपको दोबारा वीडियो बनानी पड़ेगी। लेकिन इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा
कि आप लोग वीडियो बनाने से पहले पावर पॉइंट की स्लाइड जब आप बना लें मुकम्मल तो उसको एक दफा रीचेक कर लें चित्रा। अब जो हमने पहले एक टिक लगाया था, चेक लगाया था कर्सर हाईलाइट पे, तो अब उसका फायदा हमें क्या है, उसका फायदा हमें क्या होगा कि जहां जहां हम माउस को मूव करेंगे, लेकिन अभी हमें ये शो नहीं हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूं इसका क्या होगा। आप लोग कोशिश ही कीजिएगा कि जहां आप पढ़ रहे हैं या बच्चे को पढ़ा रहे हैं वहां पर आपका माउस मूव हो। अब फॉर एग्जाम्पल ये सिंधी के अंदर लिखा हुआ है, मैं अलिफ कान या ताए लिखो आप पढ़ियो, ठीक है, अलिफ ब, मुझे सिंधी नहीं आती तो मुझे नहीं पता ही क्या वर्ड से आगे के, तो आप लोग जिस तरीके से जो जो वर्ड लिखा हुआ है वहां पर या लाइन जो सेंटेंसेस आपने लिखे वहां पर आप माउस को मूव करते जाएं, उसका होगा फायदा क्या कि जो हमने कर्सर हाईलाइट किया था, अब हम जब इसकी वीडियो को इसको मैं आगे का प्रोसीजर करूंगा वहां पर ये एक गोल सर्कल दे देगा उसके माउस के मूव होने का, ठीक है। अब आपकी वीडियो खत्म हो गई, आप वीडियो खत्म करने के बाद एस्केप की को प्रेस कर देंगे, उसको प्रेस करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि स्टॉप रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रिकॉर्डिंग, तो आप स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे, ओके, इसको आप डेस्कटॉप पे सेव कर लें, सेव कर लिया किसी भी नाम से वाले आप कर लें, मैंने बराल ऐसे ही की है। अभी थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो यहाँ पर हमारे पास एक और ऑप्शन ये भी एक विंडो खुलेगी, अब आप इसको करेंगे एडिट यू आर रिकॉर्डिंग, इसके ऊपर आप ये टिक लगा के इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद अभी आपका जो कैमटेसिया सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा, कैमटेसिया हमारा ओपन हो रहा है, थोड़ा सा ये वेट लगेगा, थोड़ा सा इंतजार करें हम, ओके, कोई इसका मसला नहीं है, इस तरीके से आ जाइए आपके पास, आप क्लिक कर दीजिएगा, ओके ओके क्लोज। अच्छा हमने जो टिक लगाया था कि भाई आप रिकॉर्डिंग भी हमारे साथ करो, तो ये देखो इसने हमारी रिकॉर्डिंग कर ली है एक साथ। अभी आप लोग चाहें, एक ये हमारी एक ये विंडो है, एक ये हमारी विंडो है, ये हमारी वो जो इसने हमारी लैपटॉप कैमरे के थ्रू की, वेबकैम के थ्रू की है, और ये वाली वो है जो इसने लैपटॉप के थ्रू बनाई है हमारी प्रेजेंटेशन की, और ये है हमारी ऑडियो फाइल, ठीक है। अब इसको आप चाहें छोटी करके, जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो यूट्यूबर्स हैं वो ज़्यादातर वीडियोज़ को अपने इस तरीके से छोटी करके यहाँ पर लगा देते हैं और साथ साथ बोलते रहते हैं। अच्छा अब जो मैं जो आप लोगों को मेन चीज दिखाने जा रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट, फिलहाल इसको यहाँ से यहाँ डिलीट कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को जो चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, मैंने जैसा कहा था कि हमने कर्सर हाईलाइट पे जरूर चेक लगाना है, उसका फायदा हमें क्या हुआ ये देखे, इसने जहाँ जहाँ हमने कर्सर को मूव किया उसके चारों तरफ एक सर्कल येलो कलर का सर्कल दे दिया। आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं वहीं उसी सेटिंग के अंदर जाके, तो ये देखिए जहाँ जहाँ मैं कर्सर को मूव करता रहा तो वहाँ वहाँ पर एक ये येलो सर्कल आ रहा है। अच्छा इसका हमें फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि स्टूडेंट्स को अब आइडेंटिफाई हो रहा है कि टीचर कहाँ पढ़ा रहे हैं हमें, या आप जो भी फॉर एग्जाम्पल वीडियो बना रहे हैं तो आप लोगों को ये एक आइडेंटिफाई हो जाएगा सामने वाले को कि आप लोग अभी कहाँ हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ये अगर यहाँ पर हाईलाइट नहीं हो तो हमें नहीं पता कि आप कहाँ पढ़ाए कहाँ थे, तो इसका सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि कैमटेसिया के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कोई इतनी ज़्यादा हाई वीडियो उसके अंदर साइज़ के अंदर वीडियो नहीं बनाता, जैसे और दूसरे सॉफ्टवेयर हैं वो GB के अंदर साइज ले जाते हैं, ये खाली आपका MB के अंदर साइज रखेगा, वो भी 20 या 10 MB रखेगा एटलीस्ट। तो आई होप कि ये वीडियो, दूसरी चीज़ आप लोगों को अब मैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी वो हम करेंगे एडिटिंग, एडिटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। वैसे एडिटिंग की जब आपने कैमटेसिया से वीडियो बना ली, प्रेजेंटेशन बना ली, उसके अंदर एनिमेशन दे दी, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको एडिटिंग की नीड है उसके अंदर। जस्ट मैं आप लोगों को एक इफेक्ट अभी सिखा देता हूँ कि आप किस तरीके से करेंगे। इसको आप क्रॉप करेंगे, यहाँ से ये जो ब्लैक ब्लैक बॉर्डर आ रहा है इसको आप क्रॉप कर देंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जस्ट, ठीक है, हमने क्लिक करा तो इसने देखे ये रेड येलो हो गया है, येलो होने के बाद मैं इसको मूव कर रहा हूँ एंड तक, ओके, यहाँ से भी मैं इसको मूव कर रहा हूँ एंड तक, ओके,
ठीक है, मैं दोबारा उसी के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो इसने देखे अब हमें बिल्कुल वाइट लाइन दे दी, इसका मतलब अब ये स्केल है। तो अब हम इसको और थोड़ी सी इसको बड़ी कर रहा हूँ। बड़ी करने के बाद अब मैं इसके अंदर दूंगा एक बैकग्राउंड के अंदर मिरर इफेक्ट या बैकग्राउंड रिफ्लेक्शन इफेक्ट हम कह रहे हैं। अब इसका मैं इसको मैं करूंगा कंट्रोल सी, यहां से मैं इसको करूंगा कॉपी, इस वाली लेयर को कॉपी, और दोबारा यहीं पर ही मैं इसको पेस्ट कर दूंगा कंट्रोल वी। इस लेयर को उठा के ये याद रखिएगा, जब आप कोई पेस्ट कर रहे हैं, जब आपने वीडियो को आपने कॉपी करी, ठीक है, कॉपी करने के बाद अब जब पेस्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, उसके जहां पर आपका कर्सर होगा वहीं से ये आपकी वीडियो स्टार्ट करेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मैं ऊपर वाली को डिलीट कर रहा हूँ। डिलीट करने के बाद इस वीडियो को उठा के मैं बिल्कुल एंड में लेकर आ रहा हूँ, जहाँ से मेरी ये वीडियो स्टार्ट हो रही है, मेरी ये यहाँ पर ही मेरी यही वीडियो आ जाएगी। ओके, अब मैं इसको क्लिक करने के बाद अब मैं करूँगा इसको वीडियो के अंदर कन्वर्ट एक्सपोर्ट, सॉरी पहले मैं इसके अंदर मिरर रिफ्लेक्शन दे दूँ। उसके लिए मैंने इस वीडियो को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद सिंपली मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ तक इसको मूव किया, स्केल किया, इसकी विड्थ मैंने यहाँ से भी हाइट की। ओके, अब ये हमारा थोड़ा सा मैं इसकी ओपेसिटी इसकी कम कर दूंगा, ब्राइटनेस इसकी कम कर दूंगा इस वाली वीडियो की बैकग्राउंड के। अब ये जो वीडियो है हमारी, ये बन जाएगी हमारी फोरग्राउंड और ये बन जाएगी हमारी बैकग्राउंड वीडियो। ये तो हमारी वॉइस रहेगा, इसको कुछ भी नहीं करना है आपने, इसको बल्कि लॉक कर देना है, इस वाली फाइल को एज इट इज इसको लॉक कर देना है। उसके बाद ये हमारी बैकग्राउंड फाइल हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी फोरग्राउंड। इसके बाद आप जाएंगे मोर, मोर के अंदर आप विजुअल प्रॉपर्टीज, उसके बाद इसकी यहाँ पर लिखा हुआ रहा है ओपेसिटी, ओपेसिटी इसकी आप सॉरी उस वाली की वीडियो ऊपर इस वाली वीडियो की हमारी ओपेसिटी हम इसकी कम कर देंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए एक खूबसूरत सा इफेक्ट हमारी वीडियो के अंदर आ गया है, जो अक्सर आपने वीडियो के अंदर देखा होगा कि कैसे आप ये वीडियो के अंदर इफेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे प्रोड्यूस एंड शेयर के ऊपर। ओके, कस्टम प्रोडक्ट सेटिंग, प्रोड्यूस कस्टम प्रोडक्शन सेटिंग, नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद MP4, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद आप जस्ट इसको नेक्स्ट कर दें, या यहाँ से आप अपनी वीडियो का साइज भी दे सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो सेटिंग है उसको वैसे ही रहने दें, नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद दोबारा इसको नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, और यहाँ पर आप अपनी वीडियो का नाम दे दें, जो भी फॉर एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। मैं फिलहाल कुछ भी सिंधी दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसको कर रहा हूँ फिनिश। तो अब ये थोड़ा सा एक टाइम लेगी रेंडर होने के अंदर, हमारी वीडियो रेंडिंग होने में। अच्छा, रेंडर होने के बाद ये हमारी वीडियो चली जाएगी डॉक्यूमेंट्स के अंदर।